प्रत्याशी जेएमएम का है, लेकिन समर्थन सभी बीजेपी विरोधी दलों का है। कांग्रेस ने तो विशेष रणनीति बनाई है। मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। महागठबंधन के सभी घटक दल चुनाव जीतने के लिए अपने अपने स्तर से रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव में खड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी राज्य सरकार में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को जिताने के लिए पसीना बहाने को तैयार है। चुनाव हो रही है वहाँ पे, हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे, पूरे दम से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर राव के निर्देशानुसार वहाँ पर वार रूम बनने जा रहा है, और वार रूम में पूरे प्रदेश के हमारे जो नेता हैं, जो माननीय विधायक है, माननीय सांसद है, पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, जो जिला के अध्यक्ष है, और जो हमारे राज्य के प्रभावी लीडर है, उनका कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा। और उसी वार रूम से, जिस प्रकार हम लोगों ने बेरमो में दुमका में चुनाव लड़ा था, हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय सांसद पंचायतों तक जाएंगे। 5 पंचायत 10 पंचायत 2 पंचायत ऐसे ऐसे विधायकों को काम दिया जाएगा। कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में चुनावी रणनीति पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष सहमंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी का इकबाल और दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी का जनता के प्रति प्यार उपचुनाव में जीत दिलाएगा। क्षमतावान पार्टियां या गठबंधन पार कर लगा लेती हैं अपना नैया। इस बार भी उपचुनाव में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी का गठबंधन है, और साथ में सहयोग लेफ्ट पार्टियों का है। हम आगे निकलेंगे, हम विजयी होंगे। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस पूरी ईमानदारी से इस उपचुनाव में लगेगी, और उनके प्रदेश के जितने भी प्रमुख नेता हैं वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे। कैमरामैन राजा के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत।